बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 एंड वी लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बुक पेज नंबर 19। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट बुक पेज नंबर 19। This is a book page number 19 of your computer books, and so we start now. Output. Output is process data that we see on the monitor. The spelling mistakes underlined in red are displayed on the monitor. This process data is output. इट मीन्स के जो आप डेटा इंटर कर रहे हैं, आप थ्रू द कीबोर्ड जो चीज़ इंटर कर रहे हैं वो हमारी होगी इनपुट। जब आपने वो इनपुट कर ली, उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगी वो हमारे पास डेटा प्रोसेस्ड क्या होगी, वो हमारे पास प्रोसेस डेटा में, ये हमारे पास प्रोसेस डेटा है जो हमने कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड इसमें इंटर की। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, अब हमने ये सारी चीज़ें जो इन पे इंटर की कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर लिखा। अब जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो अंडरलाइन है कौन से कलर से, रेड कलर। देखिए ये मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको रेड मार्क से अंडरलाइन स्पेलिंग नज़र आ रही है, ये हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। यह कंप्यूटर हमें बता रहा है कि आपने जो लिखा है, आपने जो इनपुट दिया है, वो कंप्यूटर ने हमें प्रोसेस किया आउटपुट के तौर पर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिया, और हमें बता रहे हैं कि ये आपकी जो है मिस्टेक्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जो मिस्टेक्स हमें शो हो रही हैं वो कौन से कलर्स में शो हो रही हैं, रेड कलर में। कंप्यूटर हमारी जो भी मिस्टेक्स होगा, जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, उनको रेड कलर से अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन जो हमारी ग्रामेटिकल एरर होंगी वो हमारे पास ग्रीन लाइन में अंडरलाइन हो जाएंगी। स्पेलिंग मिस्टेक शो करेगा रेड अंडरलाइन से, और हमारी जो ग्रामेटिकली एरर्स होंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, वो हमारे कंप्यूटर से कौन से कलर से शो करेगा, ग्रीन कलर से। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म। इट मीन्स कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। द डिवाइसेज दैट वी यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन आर इंटर डेटा इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। इट मीन्स के वो डिवाइसेज जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, जैसा कि हमने पोएम लिखी, हमने ये कंप्यूटर के बारे में ऐसे लिखा, ये हमने कंप्यूटर में सेंड किया थ्रू द कीबोर्ड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइसेज। दैज इंक्लूड द कीबोर्ड। इनपुट डिवाइसेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। व्हिच आर द इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज आर दीज, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। ये जो भी हैं, ये जो भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ये जो हैं कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ये मतलब कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं। जब वो डेटा हमारे पास प्रोसेस्ड होके मॉनिटर स्क्रीन पर शो होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो हमें हमारी डेटा को दिखाता है जो हम कीबोर्ड के थ्रू इंटर कर रहे हैं, माउस के थ्रू इंटर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कहाँ शो होगा, वो हमारे पास मॉनिटर में शो होगा। तो इसलिए मॉनिटर क्या है, मॉनिटर जो है हमारी आउटपुट डिवाइसेज है। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस में आपकी माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। अब ये देखिए ये क्या है, इट इज़ अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग डिवाइस, इट मीन्स कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रन यूज टू प्ले गेम विथ इट, यानी कि ये हमारे पास गेम को प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड स्कैनर, स्कैनर का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ स्कैनर। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी जो बुक से पिक्चर कैप्चर करने के बाद हमारे कंप्यूटर को देती है। इट इज़ अ माउस, माउस इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। यूजर मूव पॉइंटर रिपीटेडली ऑन द स्क्रीन विथ माउस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। व्हील माउस कंटेन लेफ्ट राइट बटन्स एंड व्हील एट मिडिल। इट मीन्स के माउस जो है इसके दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और जिसके मिडिल में होता है वो क्या कहते हैं, उसको हम व्हील कहते हैं। ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज बुक पेज नंबर 20, मैच द इनपुट डिवाइसेस टू देयर नेम्स। अब यहाँ पर हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। अब आपने क्या करना है,
मैच द इनपुट डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को इनके नेम के साथ मैच करना है. नंबर वन इज कीबोर्ड, नंबर सेकंड इज टच स्क्रीन, सॉरी नंबर सेकंड इज माउस, नंबर थर्ड इज टच स्क्रीन, नंबर फोर इज माइक्रोफोन, द लास्ट वन इज जॉयस्टिक. ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क. आपने क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस को उनके नेम से अच्छी तरह से मैच करना है क्लियरली, और फिर अपना जो है ये इनके नेम्स, इनपुट डिवाइसेस के नेम्स भी याद करने हैं. ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.